हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है ऋतिक, आप देख रहे हैं ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। तो जैसे कि आप लोग ने इंटरफेस में देखी चुकी होगी कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, तो आज मैं बात करूँगा ओप्पो K37 के बारे में कि आप लोग किस टाइप से ओप्पो K37 में आप लोग यहाँ पे कॉल स्क्रीन चेंज कर सकते हैं। तो आप लोग बोर हो गए हो यार चला चला के, क्योंकि मैं भी बोर हो गया था कॉल स्क्रीन चला चला के, क्योंकि वही वही पुरानी घिसी पिटी कॉल स्क्रीन। तो मैंने सोचा कि उन्हें इस पर एक नया फीचर्स लाया जाए और कुछ चेंजेस किया जाए जिसमें कि आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं कॉल स्क्रीन। इसमें क्या होता है कि आप लोग का इंटरेस्ट बढ़ता है और ज़्यादा फ़ोन चलाने में, और काफ़ी यहाँ पे न्यू लगता है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आप लोग को मैं बता दूंगा कि आप लोग किस टाइप से इंस्टॉल कर सकते कॉल स्क्रीन चेंजर यहाँ पे, और किस टाइप से आप लोग चेंज कर सकते अपने फ़ोन की कॉल स्क्रीन ओप्पो A37 की। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं रोजाना आप लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो चलाता रहता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और उस बेल आइकन दबाना बोले जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो मेरी वीडियो की। एंड यार वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी। चलिए बात करते हैं टॉपिक की। तो मैं थोड़ा वीडियो में स्लो बोलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही फास्ट बोल लेता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा स्लो बोलने की कोशिश यहाँ पर करूँगा। तो चलिए बात करते हैं टॉपिक की। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूँ, और मैं सबसे पहले ये भी नहीं बताऊंगा आप लोग किस टाइप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो वो एप्लीकेशन, क्योंकि मैं लास्ट में बताऊंगा आप लोग को एप्लीकेशन, क्योंकि अगर मैंने आप लोग को पहले एप्लीकेशन बता दिया कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो तो बंद कर देंगे, उसके बाद आप लोग अपना माइंड लगाएंगे वहाँ पर और आप लोगों से चेंजेस नहीं होगा, फिर बाद में आप लोग मुझे ही कमेंट बॉक्स में गालियाँ देंगे कि भाई ये नहीं हो पाया। तो मैं उम्मीद रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए बात करते हैं टॉपिक की। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आप लोग को, मैं वो एप्लीकेशन आप लोग को ओपन करके दिखा देता हूँ जो एप्लीकेशन आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। लास्ट में बताऊंगा आप लोग को एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बारे में, बट अभी तो मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आप लोग को इसके फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है एप्लीकेशन हमारी, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ा, उसके बाद आप लोग के यहाँ पर कुछ इस टाइप का यहाँ पर इंटरफेस नज़र आता है। तो एप्लीकेशन ओपन करने से पहले आप लोग को यहाँ परमिशन दे देना है, जो कि नोटिफिकेशन एक्सेस से आप लोग ऑटोमेटिकली परमिशन दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग कुछ इस टाइप का यहाँ पे इंटरफेस नज़र आता है। जैसे यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे सेटिंग्स मिल जाती है, जैसे यहाँ पे 6 ऑप्शन दिया है, सेटिंग, चेंज बैकग्राउंड, कॉल ब्रोकर, रिंगटोन, गेट मोर थीम और कॉलर फोन कॉल स्क्रीन। तो यहाँ पे आप लोग जैसे सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को सेटिंग मिल जाती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शो इनकमिंग स्क्रीन, फिर यहाँ पे लिखा है सो आउटगोइंग गोइंग स्क्रीन। तो यहाँ पे आप लोग को दो मेन सेटिंग रहती है, तो आप लोग इसे ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने एनिमेशन के बारे में रहता है, फुल स्क्रीन के बारे में रहता है, इंटरनेशनल नंबर फॉर्मेट के बारे में, बैक प्रेस टू एग्जिट, रेट ऑन गूगल प्ले, आप लोग इस एप्लीकेशन को रेड भी दे सकते हैं, अबाउट यूज़ में भी आप लोग के यहाँ पे फीचर्स मिल जाते हैं और प्राइवेसी पॉलिसी। अब बात करके बैक करेंगे, बैक करने के बाद आप लोग यहाँ पे बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड में आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड। तो आप लोग यहाँ पे कुछ इस टाइप का यहाँ पे आप लोग को बैकग्राउंड मिल जाता है, बट आप लोग यहाँ पे पसंद नहीं भी आए तो आप लोग यहाँ पे जो फोटो का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, उस पर आप लोग यहाँ पे अपने हिसाब से आप लोग गैलरी के यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि आप लगा सकते हैं वहाँ पर, जैसे मैं फोटो पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप लोग अपनी फोटो यहाँ पर लगा सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है और मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर फीचर्स लगा। अभी तो मैं बैक कर देता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर फोटो सेव कर लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी यहाँ पर बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कुछ भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, तो थोड़ा सा ऐड आ चुका है तो मैं इसे कट कर दूंगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉल स्क्रीन है हमारी इस टाइप की दिखेगी बैकग्राउंड चेंज करने के बाद। अब मैं जो ऊपर में सही का वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप लोग क्लिक करना है सेट करने के लिए। उसके बाद मैं कर दूंगा बैक करने के बाद यहाँ पे जो कॉल ब्लॉकर, इसमें आप लोग के ब्लॉक लिस्ट के नंबर आ जाएंगे, और रिंगटोन में भी आप लोग को रिंगटोन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को रिंगटोन मिल जाती है, तो अपने हिसाब से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं रिंगटोन। और गेट मोर थीम में आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन मिल जाती है, और कॉलर फोन कॉल स्क्रीन में यहाँ पे आप लोग को इसकी डिटेल्स मिल जाती है। अब बात करेंगे मेन पॉइंट के कि आप लोग का जो कॉल स्क्रीन है किस टाइप से काम कर रहा है। तो मैं चलिए फ़ोन लगाता हूँ अपने इस फ़ोन में और किस टाइप से देखते हैं कि हम यहाँ पे क्या क्या चेंजेस मिल जाते हैं हमें, किस टाइप से जो हमारा है एप्लीकेशन काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया फ़ोन, उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो कॉल स्क्रीन है किस टाइप से काम कर रहा है। तो अभी जो हमारा कॉल स्क्रीन काम नहीं कर रहा है, क्यों काम नहीं कर रहा है इसके बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूँ। तो क्या करना पड़ेगा आप लोग को, जाना पड़ेगा अपने ओप्पो A37 के सिक्योरिटी सेंटर में, क्योंकि अभी हमारा जो एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। आप लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे परमिशन दे देना है आप लोग को, जैसे जो 3 डॉट दिख रहा है उस पर को क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है थर्ड वाला ऑप्शन फॉल्टिंग विंडो मैनेजमेंट, इस पर आप लोग क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेना, जो कि है हमारी कॉल स्क्रीन V2। तो इसमें क्या रहता है, आप लोग जब तक परमिशन देंगे तब तक आप लोग की एप्लीकेशन रन नहीं कर पाएगी। तो मैं आप लोग को बता दिया कि आप लोग किस टाइप से यहाँ पे परमिशन दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन अब भी काम कर रही है नहीं कर रही है। तो मैं चलिए लगा लेता हूँ फ़ोन, अब देखते हैं किस टाइप से काम कर रही है हमारी एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हमारा चेंज हो चुका है कॉल स्क्रीन, जो काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे।
अभी आप लोगों ने फ्रंट में देखा होगा काफ़ी बेहतरीन हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला है। तब बात करते हैं टॉपिक की, जो कि मेन वाला टॉपिक कि आप लोग किस टाइप से डाउनलोड कर सकते हैं ये थीम अपने फ़ोन में। तो जाना पड़ेगा आप लोग गूगल प्ले स्टोर पे। तो चलिए मैं चले जाता हूँ गूगल प्ले। उसके बाद आप लोग को सर्च बॉक्स पे जाना है। सर्च बॉक्स में यहाँ पे आप लोग क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा आई कॉल फ्लाइट का। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ आई कॉल फ्लाइट का। तो यहाँ पे आप लोग को बहुत सारी एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है, बट कुछ कुछ एप्लीकेशन काम की रहती है और सभी तरीके से आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर सकते। बहुत सारी एप्लीकेशन आप लोग को देखने को मिल जाती है, बट कुछ कुछ काम की रहती है, कुछ कुछ फेक रहती है। तो उसमें से मुझे एक बेहतरीन एप्लीकेशन लगी है, सेकंड वाली एप्लीकेशन। तो मैं इस पर क्लिक करके आप लोग को बता देता हूँ, जो कि 7 से 8 MB की एप्लीकेशन है। तो काफ़ी जल्दी आप लोग इस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा रहा है 10,000 डाउनलोड और 4.3, काफ़ी बेहतरीन आप लोग के यहाँ पर रेटिंग मिल जाती है और किस टाइप के यहाँ पर आप लोगों को थंबनेल देखने को मिल जाते हैं। और बात करेंगे यहाँ पर रिव्यू के बारे में, जो कि मुझे रिव्यू देख के मैं एप्लीकेशन यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ हमेशा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आई रियली दिस ऐप लव यू। तो आप लोग जो भी एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड करेंगे, सबसे पहले आप लोग उसके रिव्यू देखिएगा। रिव्यू इसलिए देखिएगा कि एप्लीकेशन किस टाइप की। तो आप लोग इस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और मैंने तो आप लोग को बता दिया इसके फीचर्स के बारे में, किस टाइप से आप लोग चेंज कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग वीडियो पसंद आई होगी। यार वीडियो पसंद तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और जो बड़ा उसको कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूले। मस्त वीडियो बनाए आपके डॉस क्लिक। धन्यवाद, जय माता दी।